राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सियासत की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति से ही शुरू होती है। छात्र राजनीति से निकले हुए दर्जनों छात्र नेताओं ने मुख्य राजनीति में न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, साथ ही देश के विकास के मुख्य सूत्रधार भी बने। लेकिन बदलते वक्त के साथ छात्र राजनीति में काफी बदलाव आ चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे पहले छात्र संघ चुनाव 1967-68 में हुए। पहले जहां स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की छात्र राजनीति हुआ करती थी, वहीं अब छल कपट जाति धन बल बाहुबल की राजनीति जगह लेती जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे पूर्व छात्र नेताओं ने भी इस बात को स्वीकारा है कि आज की छात्र राजनीति में प्रेम भावना खत्म हो गई है। पिछले दिनों के मुकाबले अब छात्र संघ थोड़ा कमजोर निश्चित रूप से हुआ है। पहले के टाइम जब हम छात्र संघ के पदाधिकारी होते थे, राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ऐसी मजबूती होती थी कि पूरा छात्र संघ मिलकर चुनाव लड़ता था और छात्र संघ के पदाधिकारी मिलकर काम करते थे। दूसरी ओर एबीवीपी के भी छात्र नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिछले 10 सालों में छात्र राजनीति में काफी बदलाव आ गया है। अब जातिगत राजनीति ज्यादा सक्रिय होती जा रही है, जबकि पहले छात्र नेता के कार्य और उसकी योग्यता देखी जाती थी। हमने बहुत पहले से मांग करी थी विश्वविद्यालय में रहते हुए कि विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी चाहिए। अगर प्रशासन को एक अच्छा चुनाव कराना है तो छात्रों के बीच में जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है उनके बीच में तर्क वितर्क होना आवश्यक है, इसलिए प्रेसिडेंशियल डिबेट कैंपस में होनी चाहिए और उस डिबेट के माध्यम से छात्रों को अपना नेता चुनने का मौका मिलना चाहिए। छात्र राजनीति में हुए इन बदलाव के लिए कहीं न कहीं छात्र संगठनों का भी बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। दरअसल सियासी दल भी अपने अपने छात्र संगठन के नेताओं को जिताने के लिए अब खुलेआम धन बल का सपोर्ट करते हैं, जिसका नतीजा है कि छात्र राजनीति में धन बल बाहुबल और जातिगत समीकरण पूरी तरह से हावी हो गए। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। छात्र संघ